नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि फिल्म राष्ट्रीय कवच ओम तथा रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट ने अपने चौथे दिन यानी कि मंडे को बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया, संडे के मुकाबले इन फिल्मों के कलेक्शन में कितनी मतलब डिक्लाइन, कितनी मतलब गिरावट देखने को मिली, इसके बारे में आज का वीडियो है। तो पहले बात कर लेते हैं ओम मूवी के बारे में, जिसमें आदित्य राय कपूर प्रमुख भूमिका में, साथ ही संजना सांगी, जैकी श्रॉफ, आशुतोष राणा, प्रकाश राज जैसे सितारे भी इस फिल्म में, कपिल वर्मा का डायरेक्शन है। तो दोस्तों फिल्म को शुरू से ही पसंद नहीं किया गया था, क्रिटिक्स ने फिल्म की धज्जियां उड़ाती थी क्योंकि फिल्म बहुत ही बुरी तरह से बनाई गई है। फिल्म में इतने ज्यादा सस्पेंस डाल दिए गए हैं कि पूरी फिल्म का सस्पेंस ही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये फिल्म दर्शकों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। पहले दिन भी इस फिल्म का कलेक्शन करीब 1.5 करोड़ रुपए के आसपास रहा था, शनिवार को करीब 1.70 करोड़ रहा था और संडे होने के बावजूद संडे को भी फिल्म का कलेक्शन मात्र 1.70 करोड़ रुपए के आसपास ही रहा है। तो दोस्तों संडे होने के बावजूद फिल्म के कलेक्शन में कोई ग्रोथ नहीं हुई, इससे ये पता चलता है कि फिल्म दर्शकों को पसंद नहीं आई है, क्रिटिक्स को भी पसंद नहीं आई थी, दर्शकों को भी पसंद नहीं आई। हालांकि फिल्म को काफी अच्छी संख्या में स्क्रीन्स मिले थे, 1500 स्क्रीन्स इस फिल्म को मिले थे। अब मंडे की जहां तक बात करें, मंडे के कलेक्शन में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। जी हाँ दोस्तों, मंडे को फिल्म के शो भी काफी कम कर दिए गए हैं और फिल्म का कलेक्शन मात्र 60 लाख रुपए के करीब रहा है, 50 से 60 लाख रुपए के करीब मंडे को कलेक्शन रहा। हालांकि ऑफिशियल फिगर नहीं आया नेट रेट के द्वारा, अभी तक जो प्रेडिक्शन आ रहे हैं उसके अनुसार 50 से 60 लाख रुपए मात्र का ये कलेक्शन मंडे को कर पाई है। तो दोस्तों इस प्रकार प्रथम 4 दिनों का इसका कुल कलेक्शन करीब 5.5 करोड़ रुपए रहा है। तो दोस्तों आप ही सोचिए कि 5.5 करोड़ रुपए का इसका कलेक्शन, बजट 40 करोड़ से ज्यादा, 40 to 50 करोड़ इसका बजट है, तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी डिजास्टर साबित होने वाली है। अभी ये तय हो चुका है और अन्य डिजास्टर फिल्मों में अपना नाम ये लिखवाएगी, जिसमें निकम्मा शामिल है और कंगना रनावत की फिल्म धाकड़ शामिल है, अनेक भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं आयुष्मान खुराना की फिल्म को। तो दोस्तों बहुत ही बड़ी डिजास्टर साबित होने वाली है ये फिल्म, 10 करोड़ से ज्यादा का इसका इंडिया नेट कलेक्शन नहीं आने वाला, 10 करोड़ भी अगर ये कलेक्शन कर लेती है तो बहुत बड़ी बात होगी। दोस्तों अब बात करें आर माधवन की जबरदस्त फिल्म, शानदार फिल्म, बेहतरीन मूवी रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को भी उस तरह के कलेक्शन नहीं मिले जितनी बेहतरीन ये फिल्म, बहुत ही अच्छी ये फिल्म है, लेकिन ना तो इसको बहुत बड़ी संख्या में स्क्रीन्स मिले और ना ही इस फिल्म का कलेक्शन इतना अच्छा रहा। हालांकि इसको बहुत अच्छी मतलब रेटिंग्स मिली है, 9.3 इसकी IMDb रेटिंग है, इसके अलावा क्रिटिक्स ने भी इसको 4.5 स्टार से 5 स्टार तक की एवरेज रेटिंग दी है। बहुत ही अच्छी फिल्म है, बहुत ही, मैं कहूंगा कि ऐसी फिल्में बहुत कम बनती है, जरूर देखनी चाहिए सबको, लेकिन दर्शक देखने नहीं जा रहे, पता नहीं क्यों, कहीं से भी फिल्म के कलेक्शन इतने ज्यादा नहीं आ रहे, ना तो तमिल वर्जन से और ना ही हिंदी वर्जन से। तो दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल जो कलेक्शन है, मतलब करीब इसका 4 करोड़ का कलेक्शन कल रहा था, मतलब संडे की बात में पहले बता दूं आपको, संडे को फिल्म के कलेक्शन में ग्रोथ देखी गई थी, करीब 3.80 करोड़ से 4 करोड़ रुपए के आसपास इसका कलेक्शन संडे को रहा था। लेकिन मंडे को दोस्तों फिल्म के कलेक्शन में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है, बहुत बड़ी गिरावट शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मंडे को फिल्म का कलेक्शन मात्र 1.30 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। हालांकि जो फाइनल फिगर है वो आना बाकी है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 1.50 करोड़ मतलब 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन इस फिल्म का कल नहीं रहा है, मतलब 1.5 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन नहीं जाने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार प्रथम 4 दिनों का रॉकेटरी का कलेक्शन हो जाता है 10 करोड़ रुपए के आसपास, जो किसी भी हालत में अच्छा नहीं कहा जा सकता। इतनी बेहतरीन फिल्म होने के बावजूद अगर फिल्म 4 दिनों में केवल 10 करोड़ का कलेक्शन करती है तो ये सोचने वाली बात है, अफसोसजनक बात है। तो दोस्तों रॉकेटरी फिल्म का भविष्य भी बॉक्स ऑफिस पर मतलब खतरे में ही है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये फिल्म भी लगता है कि हिट नहीं हो पाएगी, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप ही साबित होगी, हालांकि फिल्म बहुत ही अच्छी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप बताइएगा, साथ ही दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।